Ladies and gentlemen, I have the honor to request our Chief Guest, Chanaminsur, to please say a few words, in fact, address the gathering. Sri Pema Khanduji, Adanya Chief Minister of Pradesh, Padish, Sri Kiran ji, Adanya Kendriya Kanan Mantri, Sri Mama ji, आदरणीय फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर सभी उपस्थित एम एल एगण डी सी रेपा एस पी मेरे दोस्त श्री इके रिवाजी द फॉर्मर मिनिस्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जी आर के सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तथा अन्य अधिकारीगण टोमो बासार चीफ इंजीनियर पी सभी उपस्थित सरकारी अधिकारीगण जेड पी सी मैडम लोकल एम एल ए बासार जी यहाँ उपस्थित सभी लेपाराडा के बासार के गण्य मान्य व्यक्तिगण भाइयों बहनों मैं बहुत दिन से ई e प्रोजेक्ट आओ आओ बोल के मैंने प्लान कर रहा था लेकिन कुछ कारण वक्त मैं आ नहीं पाया तो मैंने टोमो बासार जी से एगम बासार जी से मैंने डिस्कस करके ये निर्णय लिया कि हम दिसंबर में आएंगे और उन लोग ने बोला अगर आज, आज आप दिसंबर में आता है तो आप ब्रूट जो इवेंट होगा उसमें भी आप उस इवेंट को आप फ्लैग ऑफ करिएगा तो इसीलिए आज यहाँ पहुँच गया आते ही यहाँ का स्थानीय एम एल मैडम और सभी जो सरकारी अधिकारीगण और पब्लिक लीडर सभी मुझे मिल के मुझे जिस तरह का स्वागत किया अभिनंदन किया मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों से यहाँ पहुँचते ही हम ई e प्रोजेक्ट चला गया जो मैं ई e प्रोजेक्ट का बारे में बहुत दिनों से सालों से मैं सुन रहा था और मुझे देखने को इच्छा था मुझे मैं ये भी चाहता था कि मेरा गांव से मेरा डिस्ट्रिक्ट से कुछ यंग एंटरप्रेनर को जो यूथ लोगों को यहाँ ले आऊँ और ई प्रोजेक्ट को भी दिखाऊँ क्योंकि ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है ताकि इस तरह का जो कंजर्वेशन जो काम हो रहा है वो अरुणाचल का बाकी इलाका में भी ये हो हो सके और मुझे यह भी बोला था कि सर आप जब आ ही रहा है तो आप प्लानिंग से भी कुछ ऑफिसर ला के दिखाइए कि ई प्रोजेक्ट कैसा है ताकि वो लोग हमारा ब्यूरोसी को भी थोड़ा जानने से ठीक है तो मैंने बोला कि मैं प्लानिंग में तो मैं ही हूँ मैं देख लूँगा आज यहाँ तो पूरा पूरा अरुणाचल का जो टीम अरुणाचल पूरा का पूरा है चीफ मिनिस्टर है केंद्र मंत्री है मामा नाटुंग जी भी है और यह पूरा एम लोग है तो पूरा टीम अरुणाचल है तो हम लोग देखने से ही पूरा हो जाएगा आपका जो भी इच्छा है कुछ इच्छा है आज बता दीजिए आप लोग क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा सरकार उसमें ध्यान देगा जरूर मैंने उनको बताया उनको सुबह भी मैंने उनको बताया तो मैंने मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने तो देख के आया सुबह तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चीफ मिनिस्टर और केंद्र मंत्री मामा आतंक जी को भी और बाकी सब एम को कल जाके सुबह आप लोग देख के आए ये भी प्रोजेक्ट एक कंपोजिट प्रोजेक्ट है एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कंपोजिट प्रोजेक्ट है ये वाटर कंजर्वेशन है यह फॉरेस्ट कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है सस्टेनेबल इकोसिस्टम भी है एक कंपोजिट जो जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मुझे सुबह बताया कि 2008 में उन लोगों ने देखा कि ये जो नदी है उसमें एक छोटा सा स्ट्रीम जहाँ से वहाँ बसार का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का जो हेडवर्क है वहाँ में वो हेडवर्क था तो धीरे धीरे जो ये जो स्ट्रीम है सूखते गया सूखते गया तो लीन पीरियड में पानी नहीं मिलता है गांव वालों को और पानी नहीं मिलने से बहुत सा माइग्रेट करके गांव से चला भी गया एम एल साहब ने बताया है बहुत लोगों ने गांव से हट के चला गया दूसरा गांव पानी नहीं है तो क्या करेगा इस तरह का परिस्थिति था तो गांव के कुछ बुज़ुर्ग बसार एगम बसार और अन्य लोगों का साथ मिल के उन लोगों ने सोचा कि एक सस्टेनेबल एक प्रोजेक्ट हम वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हम ल, उसका एक लाए यहाँ में तो इस तरह का 2008 से लेके एक्चुअली 2011 में शुरू हुआ और जब 11 में शुरू करके 2017 में इसका फल देखने को मिला कि धीरे 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 पानी कंजर्वेशन होके तो वाटर बॉडी भी हो गया है उसका बाद में भी पानी आने लग गया अभी वहाँ पानी सूखता नहीं है वो पानी पूरा मिलता है अब वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में भी पूरा पानी आता है इस तरह का जो है वो एक कंजर्वेशन लिया है मैंने सुबह जाके वहाँ जो आपका ऑर्किड जो ये जो प्रिजर्व कर रहा है वहाँ में एकम बासार जी ने तो ऑर्किड वेराइटीज़ को भी देखा है उसका बाद रेयर वेराइटीज़ ऑफ जो हमारा अरुणाचल का जो है आ, जो एक्सिंग होने वाला है उस पौधे को भी वो कंजर्व करके उसमें प्लांटेशन कर रहा है उसको भी देखा इस तरह का जो एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स है उसको देखने को मिला मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के तो मुझे मैं देख के सोचा कि इस एरिया को पूरा एरिया को हम एक आ, एक एक, 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 एक फॉरेस्ट एरिया में लेके उसका एक बोटानिकल गार्डन भविष्य में अगर बोटानिकल गार्डन बनाता है सेवन एट हेक्टर में या टेन हेक्टर में बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट एक कंजर्वेशन एक प्रोजेक्ट भी होगा मेरा अपना यह जो आइडिया है सोए विलेज पार होके गया सोई सो, जो सोए गांव है एमएलए साहब का गांव है एमएलए साहब ने हम दोनों एक ही गाड़ी में उठ के आया तो एम साहब ने मुझे बताया कि ही नदी है मैंने बोला ये नदी क्या है ही नदी है कोई कोई तो सी नदी भी बोलता है कोई कोई यहाँ का लोग ही नदी बोलता है बोलता है ही रिवर है तो ही रिवर में मच्छी पकड़ने का बैन कर दिया है पूरा अभी मच्छी उसमें कंजर्वेशन के लिए मच्छी बैन कर दिया तो ये तो मेरे लिए के लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जो रेयर वैरायटीज का फ्रेश वाटर फिश है एक्सटिंग होने वाला है उसको अभी प्रिजर्व करना है नमसाए का तरफ में तो वो इलीगल फिशिंग हाँ धड़ाधर हो रहा है तो उसको बंद करना है हम शक नहीं रहा है तो यहाँ से मैं ये जो जो है अब ही नदी में जो कंजर्वेशन हो रहा है फ़िश कंजर्वेशन फ़िश प्रिजर्वेशन इसको मैं के लेके जाऊँगा वहाँ में बताऊँगा मेरा एक आप लोगों से एक मैं शेयर करना चाहूँगा या सजेशन देना चाहूँगा कि ने भाई लोग शिकार बहुत करते हैं तो शिकार इसीलिए चिड़िया ज़्यादा नहीं होता है चिड़िया का आवाज़ भी मुझे ज़्यादा सुना ही नहीं दिया है तो यह में चिड़िया का क्या है? होता है कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है आप लोग का हालांकि मामा नाटूंग जी ने सरेंडर एयरगन अभियान चलाया उससे बहुत ही ये अभी ये जो इलीगल हंटिंग जो चिड़िया मारता है उस बंद हो गया है अभी लेकिन अभी भी बहुत बाकी है तो हम लोग का वहाँ में क्या है हमारा वहाँ में हम लोग क्या करता है वी 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 शुड ओनली दी पिजन वेराइटी ऑफ बर्ड्स हम सेलेक्ट करके मारता है कॉम्बिंग करके पूरा का पूरा नहीं मार देता तो यहाँ तो पूरा मार देता है तो हमारा वहाँ में आएगा तो चिड़िया का आवाज़ बहुत मिलेगा आप टेंगा पानी में आओ सुबह उठ के चार बजे उठ के देखो कि चिड़िया का गुनगुना पूरा अब सुन सुन को मिलेगा और आसपास का इलाका में जाओ सिर्फ मछी वहाँ में नहीं मिलता इलीगल फिशिंग बहुत होता है वहाँ में वहाँ मछी नहीं होता तो इसलिए यहाँ अगर सरेंडर एयरगन जो प्रोग्राम है वो ज़ोरदार से लिया जाए तो यहाँ अबोतानी एरिया में चिड़िया होने का दरकार है उस दिन मैंने डोनीपोलो एयरपोर्ट गया तो मैंने केंद्र मंत्री किरण रिजिजू से पूछा कि ये जो आवाज़ है क्या हो रहा है ना ये आवाज़ है चिड़िया जो उड़ाने के लिए चिड़िया को भगाने के लिए आवाज़ चल रहा है तो क्योंकि फ्लाइट आने से चिड़िया एक्सीडेंट हो जाता है तो चिड़िया भगाने का दूसरा दिन अट्ठाईस तारीख को तीसरा दिन मैंने आया तो फ्लैग ऑफ फ्लैग ऑफ करने के लिए तो फर्स्ट जो फ्लाइट डोनीपोलो एयरपोर्ट से जो उड़ेगा उसको फ्लैग ऑफ करने के लिए मैं आया तो मैंने फिर हेलीकॉप्टर से मैं नामसाई जा रहा था फ्लैग ऑफ करके तो मैंने वहाँ का क्रू मेंबर को और पायलट को पूछा ये जो ये यहाँ जो जो आवाज़ होता है चिड़िया को उड़ाने के लिए तो वो लोग बोला सर यहाँ चिड़िया है नहीं है क्या चिड़िया उड़ाएगा तो इस इलाके में चिड़िया है नहीं यानी कि चिड़िया मारता है मामा ना जी तो ये बात है तो ये जो है ये चिड़िया को बचा के हमारा एरिया में जो कन्जर्व है जो हिगाम बसार जी का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है सीखने का लायक है देखने का लायक तो है ही है सीखने का लायक है और एक जो आ, आपका इको टूरिज्म जो जो मैंने बोला है कंपोजिट प्रोजेक्ट है इको टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है टूरिज्म के लिए भी हमारा जो प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है इस इलाका में तो मैंने टूरिज्म का डायरेक्टर को टूरिज्म का सेक्रेटरी को मेरे रूम में बुलाया मैं एक छोटा सा मीटिंग का आयोजन किया कि एक अच्छा टूरिज्म पॉलिसी हम लोग एडॉप्ट करेगा अरुणाचल प्रदेश में भी एक सस्टेनेबल टूरिज्म होगा यहाँ में इलाका इलाका देख के जैसे बसार में मैं आके देखा जो इवी प्रोजेक्ट देखा और ये जो आ, क्या बोलता है ये इलाका को लाए हो ये ला हो एक दिन में आएगा तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर इलाका है ये तो इस तरह का एक बहुत अच्छा एक इको टूरिज्म हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से फिर मेचुका जाएगा अभी तो एयरपोर्ट भी हो गया हमारा धोनी पोलो एयरपोर्ट हो गया धोनी पोलो एयरपोर्ट से टूटिंग जाएगा टूटिंग से मैचुका जाएगा मेचुका से फिर उतार के यहाँ आएगा बाय रोड बसार आएगा बासार से और आलो जाएगा आलो से पासीघाट जाएगा या आपका मेचूका से पासीघाट जाएगा बाय फिक्स विंग पासीघाट से आनी नहीं जाएगा फ्यूचर में आनी नहीं बेमी भी जो एल हो जाएगा उसका बादजा हो जाएगा उसका बाद फिर तेजू आएगा तेजू से फिर मियाँ हो जाएगा इस तरह का एक टूरिस्ट अच्छा टूरिस्ट सर्किट बनता है सेलेक्टेड टूरिस्ट जो सर्किट होगा ये ऐसा बन सकता है अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का बनाना चाहिए और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ही स्कोप है ये जो बसार एरिया में तो मुझे एम साहब ने बताया कि ये जो आर में आप जो पैसा दिया रहा उसको बनाया है ये पी का रास्ता है तो ये जो सड़क है जो ये अभी जो हम लोग आ रहा है ये सड़क बारह तेरह किलोमीटर दूर का सड़क है उसमें यह अगर सड़क भी दिया जाता है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यह सड़क दे दिया जाता है तो यह सड़क भी एक 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 सड़क जो है गांव के लिए भी सुविधा होगा और एक टूरिज़्म प्र, जो प्रोजेक्ट के लिए भी यह सड़क होगा तो उन्होंने इस तरह का बताया है और अलग अलग इलाका के बारे में बताया अभी उन्होंने खुद बताया कि बसार के लिए भी आ, आप दोनों आया है उन्होंने बताया एक चीज़ बताया कि गाड़ी में हम दोनों बैठ के आ रहा कि चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का नेतृत्व में और डेपुटी चीफ मिनिस्टर चौनम जी का नेतृत्व में मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में मैसिव डेवलपमेंट मैं तो कहूँगा कि चिफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का नेतृत्व में टीम अरुणाचल का यह का कमाल है टीम अरुणाचल ने अभी अरुणाचल प्रदेश में मैसिव डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है अरुणाचल में मैं डाबी से कहना चाहूँगा कि मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल में चाहे रोड सेक्टर में हो चाहे रेलवे सेक्टर में हो चाहे एयर सेक्टर एयरवेज में हो रोडवेज में हो रेलवेज में हो ईवेज में हो आईवेज में हो रिवरवेज में हो ये बहुत ज़ोरदार काम चल रहा है अभी तो फिर 44,000 करोड़ का अभी सेंक्सन हो गया है भारत सरकार ने सेंक्शन कर दिया अप्रूव कर दिया 44,000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर खुद आके धोनीपोलो एयरपोर्ट जब उद्घाटन होने वाला प्रोग्राम पर प्राइम मिनिस्टर खुद बोला है कि 44,000 करोड़ अरुणाचल प्रदेश के लिए सेंक्सन हुआ है हमारे बॉर्डर एरिया रोड के लिए और जो है हमारा जो कॉरिडोर हमारा जो जो कॉरिडोर जो रोड के लिए उसके लिए भी जो 44,000 44,000 करोड़ इज ए ह्यूज मनी तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार से अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है टूरिज्म में बहुत बड़ा बड़ा एक होना है यहाँ में एडवेंचर टूरिज्म है पीलगिरीमेंस टूरिज्म है नेचर टूरिज्म है रिसर्च टूरिज्म है कितना लोग आता है रिसर्च करने के लिए यहाँ में बाहर से जो लोग आता है तो जी के गुमिन रेगो किलाजू तो ये इसका मीनिंग होता है कि गुमिन रेगो किलाजू यानी कि हमारा फोर फादर का जो लिगेसी को हम कंटिन्यू करें इस तरह का एक मीनिंग होता है एक अच्छा जो हम फोर फादर ने जो सिखाया है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके जाए जो हमारा पुराना जो रीति नीति नीति को या हमारा पुराना जो संस्कृति को जो आगे हम ले जाए तो इस तरह का इतना सुंदर मीनिंग है ये जीआरके ने इसको एवॉल्व किया है कि आने वाले समय में ताकि ये जो ब्रूट है महाराषन रेस है ये एक इंटरनेशनल इवेंट हो एक नेशनल इवेंट हो ये और होगा आने वाले समय में होगा जरूर बास्कॉन फेस्टिवल जो एक जो कैलेंडर इवेंट है बास्कॉन जो फेस्टिवल धीरे 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 ये पिकअप मोमेंटम पिकअप रह रहा है क्योंकि यहाँ में और आपका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आने वाले समय में एक कल्चरल इवेंट कल्चरल इंटीग्रेशन भी हो सकता है हमारा कुजिन कितना अच्छा है खान पान कितना सुंदर है ट्रैवल खान पान आप खामती लोगों को बुलाया खामती लोगों को या पासा फेस्टिवल करे यहाँ में आज जो हम पुखरी जो जो वहाँ में जो जो फिश पॉन में गया रहा है वहाँ में जो अब मशेर वहाँ में हम फेंका है आज मशेर वहाँ में जो सिडलिंग वहाँ फेंका है वो मशेर बड़ा होगा तो मशेर से पासा बनता है वो पासा जो जो रो फिश का सूप होता है इसी नदी में इसी इसी जो इलाका में एक पासा फेस्टिवल कर दीजिए पूरा का पूरा लोग आएगा तो एक कल्चरल इंटीग्रेशन भी होगा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा इस तरह का जो फेस्टिवल अरुणाचल का फेस्टिवल वी आर नोन एज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल लैंड ऑफ डांसेस तो इस तरह का हमारा जो है टूरिज्म और जो बढ़ेगा मेरा शुभकामनाएँ हैं कल आप लोग का मैराथन रेस होगा फिर कल से बास्कन फेस्टिवल भी शुरू होगा आपको मैं लेपराटा वासियों से बासार वासियों से मेरा बहुत बहुत बधाई है शुभकामनाएँ भी है कल शायद मेरा हाथों से ही फ्लैग फ्लैग ऑफ होगा जो मैराथन रेस का मैं यहाँ में जितना भी पार्टिसिपेंट आया है सबको शुभकामनाएं देता हूँ फाइव किलोमीटर इवेंट है टेन किलोमीटर इवेंट है थर्टी किलोमीटर इवेंट है सिक्सटी किलोमीटर इवेंट है अपना अपने इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा सबको शुभ भारतवर्ष के कोने कोने से आए हैं आसाम से भी बहुत लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने से औ, औ, करने के लिए मैं चाहूँगा कि यह धीरे धीरे एक नेशनल इवेंट हो और आने वाले समय में एक इंटरनेशनल इवेंट भी हो सरकार का तरफ से पूरा सरकार यहाँ स्टेज में बैठा हुआ है सरकार का तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ आप लोगों को लेपर वासियों को कि सरकार का तरफ से यहाँ का टूरिज्म प्रमोशन के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ का रोड कम्युनिकेशन के लिए जो भी मदद चाहिए मैं वादा करता हूँ हम जरूर आपको मदद करेंगे और बसार साहब आपका एक बार आपका जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है एक इनोवेटिव वाटर सप्लाई जो आप शुरू किया है लोअर दिबंग वैली और नमसाई में अब अभी अरुणाचल पूरा फैल जाएगा एक सस्टेनेबल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है ये अभी ये बसार में भी आने वाला है हाँ ये आप जल्दी से अच्छा से कीजिए उससे भी टूरिज्म और आएगा तो इस तरह का और पाँच इलाका में होगा सिर्फ पाँच इलाका में नहीं है पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में भी हम इस तरह का जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट हम करेंगे अरुणाचल प्रदेश का और विकास होगा और तरक्की होगा और लोग आएगा हम बुलाएगा बाहर से लोग विदेश से भी लोग आएगा देखेगा अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल का फ्यूचर हम चाहेंगे कि आगे हो फ्यूचर जेनरेशन और आगे बढ़ के जाए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय अरुणाचल